इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी है, जिसके बाद चुनाव आयोग 15 मार्च तक ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। असल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने को लेकर कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की 5 जजों की बेंच ने SBI को वक्त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि SBI 12 मार्च को ऑफिस का टाइम खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दे। बैंक को बताना होगा कि पिछले 5 सालों में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो सारी जानकारी इकट्ठा करके 15 मार्च को शाम को 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। ईडी, CBI, IT, ये रेट डलवा कर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना, इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे, उनका ये है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। BJP तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।